रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवजोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 जिलों में एक साथ इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी जिले राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री बघेल ने विभिन्न जिले के नवविवाहित जोड़ों से बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इन समारोह में 3,229 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां रायपुर में 233 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद छाया शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया सहित कई मंत्री और विधायक शामिल रहे। आज रायपुर में और उसके साथ साथ प्रदेश के 6 स्थानों पर सामूहिक विवाह का आयोजन शासन की ओर से किया गया, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। इसके लिए मंत्री जी को और विभागीय अधिकारियों को और जिला में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। उन वर वधुओं को और उनके माता पिता को भी बधाई देता हूं कि सामूहिक विवाह में विवाह करने का निर्णय लिया और साहसिक निर्णय वर वधुओं ने लिया है। इसके लिए मैं उनके माता पिता को, वर वधु को बधाई और शुभकामना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।